हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल परफ्यूम एंड अतर रिव्यू। आज हम जा रहे हैं अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स के स्टोर पर जो मदीना में है। तो मैं आपको स्टोर की लोकेशन भी बता रहा हूँ और सारी डिटेल्स भी बताऊँगा, और मैं वहाँ से कुछ परचेज़ करने जा रहा हूँ। और मेरे पास ऑडियो माइक नहीं है, क्योंकि मैंने कोई इरादा नहीं किया था कि मैं यहाँ आकर कोई वीडियो शूट करूँगा, बट कुछ चीज़ें देखकर मुझे ऐसी लगी कि यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को अपनी ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगा। तो माफ़ करना ऑडियो में अगर थोड़ा बहुत कहीं एरर हो रहा है। तो ये मदीने की मार्केट है। अब मैं अभी होटल से निकला हूँ, ये सामने आता है मस्जिद गमामा, और यहाँ से सीधा जाएंगे तो मदीना मुनव्वरा का जो है मस्जिद एंटर हो जाते हैं हम। एंटर की तक एंट्रेंस आता है, गेट आता है। ये देखिए, यहाँ ये मस्जिद गमामा आ रहा है, और यहाँ पे मदीना मुनव्वरा की मस्जिद है। और ये देखिए, आप देख सकते हो शायद हरा गुम्बद भी नज़र आ रहा है। अब मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ का एड्रेस जो है ये अहमद अल मगरिबी का, वो इस तरफ है। ये पीछे ये जो ये मस्जिद गमामा जो है, इसके ये जो राइट साइड में ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग जो दिख रही है, इसके नीचे जो है ना वो उसका स्टोर है। अब हम वहीं जा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है। और ये इसकी डिटेल्स मैं कभी और इसमें शेयर कर दूंगा। इसके अंदर नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त है, आप यहाँ आए तो यहाँ दो रकात नमाज भी पढ़ ले। काफ़ी पुरानी मस्जिद है। और ये बिल्डिंग है, यहाँ पे अभी रोड का काम चल रहा है, और हो सकता है शायद जब आप आओ तो यहाँ का ये रोड का काम भी हो चुका हो। और यहाँ से इसके बैक साइड से यहाँ से रास्ता है जाने का। ये मस्जिद गमामा है, और ये है अहमद परफ्यूम्स। हम इसी की तरफ चल रहे हैं। अहमद परफ्यूम का लोगो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खालिस यहाँ पे परचेज करने आया हूँ। हीरो है मर्ज, जिसके लिए मैं यहाँ आया था, और इसको मैं जो परचेज करना था, तो मैंने बोला इसको ट्राई भी करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे। इस स्टोर में ना इनके दो सेक्शन है गिफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत प्यारा, बहुत इनकी पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त होती है। ये देखिए क्या खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है। देखिए ये बिनशेक में रखा हुआ, ये मुंबई ऊद या बॉम्बे ऊद, देखिए इस टाइप की बॉक्स है, इतनी बड़ी बॉक्स होती है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि ज्वेलरी है बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे इनके ना अतर कलेक्शन है, मैंने इसमें से कुछ मैंने ट्राई किए हैं, और बहुत से तो मैंने ट्राई नहीं किए क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। और ये भी इनके काफ़ी पुराने पुराने ब्लेंड में से है। अक्सर चीज़ें तो मुझे क्रिएशंस में ही नज़र आई है, मुझे अक्सर चीज़ें इनकी क्रिएशंस होती है। यहाँ पे इनके ना बजट वाले अदर्स इस तरफ रखे हुए, और इनका एक ये सेक्शन है, ये सेक्शन इनका सारे अदर्स है। इसमें ऊपर की तरफ मुझे, मैंने जितने ट्राई किए वो अक्सर तो फ्रेंच स्टाइल और नेचुरल्स का इसमें इस्तेमाल था, मिक्स्ड है समझ लीजिए। और ये जो नीचे का एरिया है, यहाँ पे नीचे की तरफ जो चीज़ें हैं, ये मस अस्वद है, मुखलद मालिकी है, हिना है, हिना तो प्योर है, हिना जो हमारे मुंबई में अक्सर और इंडिया में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं उसी तरह का हिना है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैंने ट्राई किया है। इनका दहनल ऊद भी बहुत बहुत अच्छा मुझे लगा। फिर उन्होंने मुझे कम्बोडी भी बताया था, वो भी बहुत अच्छा था। और मुखलत गज़ाला, ये इतना स्ट्रॉन्ग अतर है, लिटरली मैं जब इसको यहाँ पे लगाया था और मैं जब अपने होटल चला गया, असल में ये मेरे होटल के बहुत करीब है। और इनका एक और स्टोर है जो जहाँ पे मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ, वहाँ पे ना सुफियान भाई करके मुझे मिले थे। उस स्टोर में ये था कि वो मुझसे मेरे होटल से थोड़ा दूर था, और इसकी वजह से, और वो काफ़ी दूर है, इसलिए मैं सोचा कि यहीं पे
नज़दीक वाले स्टोर पे ही शूट कर लूँ। वो कुछ गेट नंबर आप आओगे ना तो गेट नंबर 334 के करीब या उसके आगे है कोई बिल्डिंग है वहाँ पे, उसके बैक साइड में उसका उनका स्टोर है। ज़रूर आप अगर मदीना विज़िट कर रहे हो तो आप इसमें यहाँ पे अहमद परफ्यूम्स में ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत यहाँ पे बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पे है तारिक भाई और तारिक भाई हमें बताएंगे कि यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कौन से परफ्यूम्स है, और मैं भी आपको गाइड करूँगा, मैं भी बताऊँगा कि यहाँ से आपको आना है और आपको जब लेना है तो किस कैटेगरी के परफ्यूम्स आपको सेलेक्ट करने हैं, और आपको गर्मी में लेना है, गर्मी के लिए लेना है, विंटर के लिए लेना है, समर के लिए लेना है, या कोई भी सीजन्स के लिए लेना है, या पर्टिकुलर ओकेशंस के लिए लेना है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो तारिक भाई से हम बात करते हैं। भाई विच वन इज़ द बेस्ट सेलिंग of right now and what you want to suggest to my audience? Okay, first I think I will show you that perfume. It's Sadek name. Sadek? Yes. Okay. What are the notes in this? This is white musk inside and oud and amber. Okay. It has white musk, oud and amber. और ये दोस्तों ये बहुत बहुत फ्रेश कैटेगरी का सेंट प्रोफाइल है, और जैसा कि मुझे पता है इनके जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं ऑयल के वो इतने ज़्यादा होते हैं, अप्रॉक्स 40% इनके ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होते हैं जो बहुत होता है। इसकी वजह से इनके परफ्यूम बहुत लास्ट करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और दोस्तों दूसरी ये तो चलो अपनी जगह है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है परफ्यूम, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि ऑयल या क्रिएशन वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जितना ज़्यादा खूबसूरत ऑयल और क्रिएशन होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है ना उसकी परफॉर्म, चाहे वो कितना ही डाल दे, अगर वो एज एन लाइक वो इतना हो जाता है जब हाई कॉन्सेंट्रेशन, जैसा लग रहा है कि आप सिर्फ अतर लगा रहे हो बट आप परफ्यूम फॉर्म में एक अतर को अपने पे लगा रहे हो। तो ये सादिक ये वाकई में बहुत खूबसूरत ब्लेंड है, मैंने इनके नोट्स जो है ना मुझे देखने पड़ेंगे, बट बहुत 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 अच्छा ब्लेंड है। मैं इसको ज़रूर, इसको तो परचेस करना ही मुझे करना ही है, मैं तो इसको परचेस कर रहा हूँ भाई। इसके अंदर एक है ना मैंगो जैसी वाइब मुझे आ रही है। इसको ब्रेक डाउन जो है ना, इसके नोट्स ब्रेक डाउन बैठ कर आराम से लैब में करेंगे, और ज़रूर मैं आपको इसका इसके परफॉर्मेंस और इसकी सारी डिटेल्स है ना और भी वो सब मैं शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। बहुत 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 अच्छी चीज़ है यार, गर्मी में तो समर में मुझे लग रहा है ये मेरा सेंट रहेगा भाई, परफ्यूम ये मेरी परफ्यूम होगी। मार्च अप्रैल में कोई ओकेशन में जाना है तो उसके लिए ये भाई बहुत ज़बरदस्त है ये। तो अभी ये बता रहे हैं कि इसकी पैकेजिंग भी आप शेयर कर दें अपनी ऑडियंस के साथ। तो इसकी पैकेजिंग तो बिंग शेक जैसी है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था ना आपको, बहुत ही बढ़िया बॉक्स और ऐसे है ना, बॉक्स देख लीजिए और इस तरह की इनकी पैकेजिंग होती है, ये तो आपने देखा ही है। और जिनके पास ये परफ्यूम है या बिन शेक है या कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनके ये वाले लाइन में से कुछ परफ्यूम्स हैं तो सेम बॉटल्स है, बाकी बिन शेक जैसी। अच्छा दोस्तों, मैंने आज सुबह जब मैं फजर के बाद आया था तो मैंने इस परफ्यूम को भी ट्राई किया था, ऊद कदीम के नाम से है, डी ऊद कदीम। ये परफ्यूम प्योर नेचुरल, इनका कहना है प्योर नेचुरल ऊद पे बेस्ड है, और वाकई में इसका जो ऊद था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का ऊद इसमें इस्तेमाल किया है इन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ है। और देन व्हाट नेक्स्ट परफ्यूम यू वांट टू इंट्रोड्यूस टू माय ऑडियंस एंड विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड बेस्ट सेलिंग ऑफ योर फ्रॉम योर लाइन? Okay, I will show you second that perfume. It's Durri. Okay, what is the name? Durri. Durri. Yeah. Okay. Durri. This is a vanilla inside, oud, ya Allah, jasmine, all three things. दोस्तों आपको तो पता है मैं दिन भर
हमारे लैब में बैठा रहता हूँ, तो मेरे लैब में तो कितने केमिकल्स के साथ ही मेरा उठना बैठना होता है नेचुरल्स के साथ भाई। ये अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत मस्त चीज है यार ये। ओके, इट विल लास्ट 24 आवर्स, योर मोस्ट ऑफ द परफ्यूम लास्ट 24 आवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज अमेजिंग भाई। ये भी अच्छा, ये यूनिसेक्स है, यूनिसेक्स है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ लग रही है यार मुझे अभी। देखिए एकदम इनिशियल मैं ब्लोटर पे टेस्ट कर मैं ना पूरी चीज़ें नहीं बता सकता। होप सो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ और फिर आप लोग के लिए ना बैठकर पूरा रिव्यू करूँगा। मेरे चैनल के साथ आप जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो इंशाल्लाह ये धीरे धीरे ये वीडियोज़ में ना डालते रहूँगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप कभी भी फर्स्ट कहीं पे भी जाते हो, परचेज करते हो परफ्यूम, आपको ब्लोटर पर वो सेंड करके सेल्स पर्सन जो होते हैं वो आपको दे देते हैं। आपको इनिशियल जो है उसके टॉप नोट के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा परफ्यूम अच्छा है, कौन सा परफ्यूम मुझे लेना चाहिए। तो क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास होता है कि हम वहाँ पर रुके रहे और फिर उसके ड्राई डाउन होने तक हम ट्राई करें, तो ये एक टास्क होता है। तो अक्सर 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 सारे ही लोग ऐसे ही करते हैं कि हम भी ऐसे ही करते हैं, हर कोई ऐसे ही करता है कि इनिशियल जो टॉप नोट होती है परफ्यूम की उसको ही हम ट्राई करते हैं और उसको उसी से हम डिसाइड करते हैं कि परफ्यूम कैसा है, मेरे लायक का है या नहीं है। तो दोस्तों मैं इसको तो ख़रीदूँगा, मुझे ये भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह। और इसके ड्राई डाउन और इसके नोट्स के ब्रेकडाउन्स मेरे वीडियोस में ही आपको मिलेंगे। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मेरे वीडियोस आते रहेंगे तो उसमें आपको इसके रिव्यू भी मिल जाएगी, इसके एरोमा केमिकल्स के भी बारे में बात करेंगे डिटेल में, और इसके अंदर अगर कोई नेचुरल्स का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने यह भी ट्राई किया था सुबह, मैंने सोचा बाय करने से परचेस करने से पहले, मेरा होटल करीब भी है और मैं रिटर्न आकर वापस से इसको ट्राई करके आराम से अपना डिसीजन भी ले सकता हूँ। तो मैंने ट्राई किया था बॉम्बे ऊद, क्योंकि बॉम्बे में हम रहते हैं, बॉम्बे के हम हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था भाई इसके अंदर क्या है देखना था। तो लिटरली इसके जिनको सैंडलवुड नोट पसंद है, जिनको सैंडलवुड के परफ्यूम्स पसंद है तो और इंसेंस टाइप की नोट्स पसंद है तो लिटरली ये उनमें से एक है जो आपको पसंद आ जाएगा, ये आपको पसंद आएगा ही नो डाउट। अगर सैंडलवुड आपको पसंद है तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें बॉम्बे ऊद, ठीक है। और अभी बहुत शॉर्ट में जल्दी से हम हमारे मेन जो हीरो है मर्ज, जिसके लिए मैं यहाँ आया था और इसको मैं जो परचेज़ करना था तो मैंने बोला इसको ट्राई भी करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे और साथ में इसके बारे में इनसे तारिक भाई से पूछेंगे। भाई तारिक, व्हाट लेट डू टेल मी हाउ मेनी बॉटल्स येट हैड बीन सोल्ड ऑफ मर्ज। मर्ज माशाल्लाह मोर वी आर इट इज द टॉप सेलिंग ऑफ राइट नाउ। यस अल्हम्दुलिल्लाह। हां, कैन यू टेल मी अबाउट द नोट्स अबाउट मर्ज, व्हाट ऑल नोट्स आर देयर। Merge inside the oud and rose amber. Okay. All that inside. Okay. तो दोस्तों इसको मैंने ट्राई तो किया है बट ब्लोटर पे किया है, मैंने अभी तक कपड़ों पे नहीं किया है। तो इसका आपको ना हमारे इसको हम वीडियो आराम से जो है ना लैब में बैठकर इसको अच्छे से इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसके नोट्स ब्रेकडाउन जो भी होंगे ना वो सारी चीज़ें डिटेल में हम बात करेंगे। मैं तो अभी आया था यहाँ पे परचेज़ करने के लिए, मैंने बोला चलो एक वीडियो भी हो जाए। कुछ चीज़ और भी यहाँ रखी हुई है जो बहुत ही यूनिक लगी। बॉटल तो बहुत खूबसूरत है, इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। ये हजरत अस्वद का देखिए, इसमें तो इन्होंने इनके पैकेजिंग में ही मेंशन कर दिया है कि हजरत अस्वद का सिम्बॉल ही है और वो हजरत अस्वद का जो कवर होता है उसका ही उन्होंने वो डाल दिया है, शेप डाला है। बॉटल देखिए इस टाइप की होती है, मैंने इन्हें भी ट्राई किया है। ये थोड़े डार्क टाइप की अतर्स है, एक तो अस्वद है और एक किस्वा है और एक और अतर है इनका,
ये मुझे, मैंने सोचा था इनकी बॉटल को देखकर, बॉटल और इनके पैकेजिंग और ये जो ग्रीन जो थी है ना, इसे देखकर मुझे लगा था ये हजरे अस्वद है, बट ये हजरे अस्वद जैसा तो नहीं था। ये है, इसका नाम है रौदा। तो रौदा का जो एक्चुअली ये जो रौदा उन्होंने नाम दिया है, ये मदीना के जो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रौज़ा है, वो जो टॉम दिखता है जो ग्रीन कलर का, उससे इन्होंने इसको नाम दिया हुआ है। इनको भी अगर मुझे वक्त मिले तो ज़रूर मैं इनकी डिटेल में आपसे इसके नोट्स को शेयर करूँगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और इस वक्त दोस्तों सच में कहता हूँ कि मुझे अहमद परफ्यूम से अच्छा कोई और ब्रांड नहीं लग रहा है कि, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खालिस यहाँ पे परचेज करने आया हूँ और ये बस मेरा एक इनके लिए सपोर्ट है, क्योंकि ये जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है वाकई में इन, और जिस तरह की इनकी पैकेजिंग है और जिस तरह की इनकी क्वालिटी है, इनकी परफॉर्मेंस है इनकी परफ्यूम्स की, ये डिज़र्व करते हैं कि इनके बारे में बोला जाए, लोगों को बताया जाए। और जो खुशबू लगाने वाले लोग हैं, जिनको खुशबू बहुत पसंद होती है, जो बगैर खुशबू के नहीं रह सकते, उनके लिए ये मस्ट मस्ट हैविंग ब्रांड है कि ये ब्रांड से वो परचेज़ अपने कुछ ना कुछ कलेक्शन में रखे और यहाँ आकर वो ट्राई करे या ऑनलाइन मंगा ले, जैसे भी आपको जहाँ से भी इजी होता है लेने के लिए वहाँ से आप ले ले। तो दोस्तों होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। खुशबू से रिलेटेड सारे वीडियोज़ हम डालते रहते हैं और भी आगे बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे परफ्यूम्स के रिव्यूज़ भी आएंगे। अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।